लीडरशिप में जैसे अगर कृष्णा का कैरेक्टर हम देखें या श्री राम का देखें, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में आप उन कैरेक्टर से क्या विजडम विड्रॉ कर सकते हैं कि स्पेशली लीडरशिप में या बिजनेस के अंदर क्या लेसन्स हम ले सकते हैं? आदमी किसी और की वजह से नहीं, अपने कर्मों की वजह से जो भुगत रहा है सो भुगत रहा है। प्लस आप कृष्ण को देखें, राम को देखें, एवरी मोमेंट लीडरशिप आपको रिकवर। राम जी के साथ एक वाक्य हुआ था जब सीता का हरण हो गया था, तो परेशान थे बेचारे, दोनों भाई परेशान हैं, लक्ष्मण परेशान भाभी कहाँ चली गई, राम जी परेशान बीवी कहाँ चली गई, भटक रहे जंगल जंगल में। और सबसे बड़ी दिक्कत उनको दिशा तक नहीं पता है, कौन से दिशा में कौन लेके गया कुछ नहीं पता, तो किधर जाए ढूंढने के लिए कुछ नहीं पता। तो रास्ते में मरे हुए मतलब लेटे हुए जटायु मिलते हैं एकदम घायल, क्योंकि लड़े थे जटायु रावण से। तो वहाँ जैसे उनसे उनके पास गए, बातचीत करने लग गए, तो बातचीत में पता चला कि जटायु जो हैं दशरथ के दोस्त हैं। तो राम के मन में एक अलग गीत ज्यादा है, ये तो बाबूजी के दोस्त हैं हमने, अब बाबूजी उस वक्त तक जा चुके थे। तो जटायु का सिर उन्होंने अपनी गोद में लिया था राम जी ने, और जटायु अपनी बात बता रहे थे कि किस तरीके से सीता को राम लेके गया और कितना मैं लड़ा, कितनी मैंने कोशिश करी और फाइनली ये हाल हुआ मेरा। अच्छा, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो चुका था ना, बीवी के लिए कोई थर्ड पर्सन इतना लड़ा और ये हालत हुई, प्लस वो आदमी मेरे बाबूजी का दोस्त भी है इतना करीबी। तो राम जी का रोने का मन कर रहा है, बिलक रहे हैं वो। लक्ष्मण कह रहे हैं भैया आपका बहुत रोने का मन कर रहा है, मैं देख रहा हूँ रो लो, आपके आंसू क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो अब सुनिएगा राम जी क्या कहते हैं। राम जी कहते हैं कि मैं रो लेता, लेकिन अगर मेरे आंसू निकले ना, आंसू में नमक होता है, इनके जिस जगह पे पड़ेगा वो बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैंने अपने आंसू रोक रखे हैं। सर कितना बड़ा एग्जाम्पल है, सोचो रो मतलब आपके साथ में करीबी जुड़े हुए लोग जितने हैं, इतने डेप्थ तक जाकर के आदमी उसके बारे में सोचता है। अच्छा, उसी वाक्य में आगे सोचो, जटायु कहता है कि मैं तो जा ही रहा हूं ऊपर, दशरथ को जाकर के बता दूं कि भैया तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, बेटे की तुम्हारी पुताऊ लेकर के कोई निकल लिया है इसे करके। तो बोलते नहीं अभी मत बताना, जा करके कुछ दिन रुक जाओ, मैं रावण का पूरा वंश समेत उसका नाश कर दूं, फिर रावण जब ऊपर जाएगा ना वो खुद ही बता देगा। सर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखो, उस आदमी के पैर में चप्पल नहीं है, दो भाई के अलावा कोई तीसरा नहीं है, अयोध्या से वो सीना नहीं मंगा सकते। दो भाई रावण उतना बड़ा विशाल सेना लेकर के, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखो, मरते हुए आदमी में कह रहा अभी कुछ मत बताना, उसका वंश नाश मैं करूंगा तब वो खुद जाके बताएगा। सर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आदमी के पास जब रिसोर्सेस नहीं होता ना, वो टूट जाता है, मेरे पास कुछ है ही नहीं अभी क्या करूं, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, लोग नहीं है, मैं गांव में रहता हूं, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छा कंप्यूटर नहीं है, बहुत कुछ। सर यही तो समय होता है विश्वास करने का कि मैं कर सकता हूं, और जब आदमी विश्वास करता है तभी तो रिसोर्सेज ढूंढने के लिए निकलता है वो, राइट। जब विश्वास नहीं होता तो आदमी कदम भी नहीं बढ़ाता रिसोर्सेज निकालने के लिए। तो रिसोर्सेज बाद में आते हैं, विश्वास पहले आता है। आदमी सोचता है रिसोर्सेज आ जाए तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा, बट रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट है कॉन्फिडेंस। सो ट्रू लीडरशिप लेसन, सो ट्रू, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। सो व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रीमिंग बिग इन सक्सेस? आप काफी ड्रीम्स पे भी बात करते हैं, सो वेयर डू यू सी द पावर ऑफ ड्रीमिंग बिग? कई बार इस पे किताबें भी लिखी जाती हैं, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट कि ड्रीम किस हद तक हमें फ्यूल कर सकते हैं? मैं थोड़ा देखो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, बहुत सुनता बहुत सारी चीज़ें हूँ, पढ़ता बहुत सारी चीज़ें हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मुझे यकीन भी नहीं होता। ड्रीम बिग ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, पोस्टर लगा लो अपने ड्रीम के, गोल पे लगा दो, मेरे को नहीं समझ में आता। मेरे घर में कोई ड्रीम का पोस्टर नहीं है सर, कभी नहीं लगा। हाँ शुरुआत में लगा था जब मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे शुरू शुरू, तो लोग कहते थे ये करो वो करो पोस्टर लगाओ, अपने भर रखा था पोस्टर से, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता। आपके घर में जब नया नया पोस्टर लगा है, बड़ी गाड़ी बड़ा घर ये सब का, दो दिन आपको एक्साइट करेगा वो, उसके बाद आप यूज टू हो जाओगे उसी को बार बार देखने का, वो कोई काम नहीं करता। मेरा मानना है जो करेंट सिचुएशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर 100% हम दे रहे हैं, अगर शिद्दत से उस काम को कर रहे हैं, तो फिर ऊपर वाला हमारे को आगे इसका स्टेप दिखाता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को ड्राइवर की नौकरी चाहिए और उसको कहीं बुलाया जाता है ड्राइवर की जॉब के लिए, और जिस आदमी ने बुलाया है उसके पास दो गाड़ी है, मारुति 800 और मर्सिडीज। अब मर्सिडीज के लिए उसको ड्राइवर चाहिए, लेकिन जब ड्राइवर उसके घर पर पहुँचता है तो वो कहता है कि ये रही मेरी मारुति 800, जरा ट्रायल देके मुझे दिखाओ तुम चलाते कैसा हो। अच्छा ड्राइवर ने क्या समझा, मुझे मारुति 800 चलानी पड़ेगी, तो ठीक है ड्राइवर किसी तरीके से चला चुला करके दे देता है।
तो मालिक देखता है तो बड़ा बदतमीज आदमी, उसको सही से चलाना नहीं आता है, तो उसको भगा देता है वो। बट मालिक की प्लानिंग क्या थी? उसको मर्सिडीज देना था, बट उसकी करंट की हरकत की वजह से उसको 800 भी नहीं दिया। तो व्हाट आई बिलीव, करंट टाइम में जो आपके पास सिचुएशन है, जो रिसोर्सेज है, जो काम है, उसमें 100% नहीं सर, 500% दिया ना, तो बड़ी चीज़ ऊपर वाला खुद देता है। मैं बड़ा मानता हूँ ऊपर वाले में, क्योंकि देखो कृष्णा कहते भी हैं कि इंसान के हाथ में सिर्फ प्लानिंग करना है, काम करना है, देना मेरा काम है। कृष्ण कह रहे हैं कि देना मेरा काम है, वो मैं ही डिसाइड करूंगा देना है कि नहीं देना है। तुम्हारा काम सिर्फ काम करना है, काम करके दिखाओ, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं दे दूंगा। मालिक है ना वो, मालिक ऐसा ही होता है। मालिक प्रमोशन कब देगा? जब एम्प्लॉय का काम अच्छा लगेगा। तो मालिक कब देगा? जब तुम्हारे को जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुम निभा के दिखाओ कितने शिद्दत से करते हो, तभी तो मैं बड़ी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ। तो ड्रीमिंग बिग, गोल बिग, ठीक है सर, बट उससे ज़्यादा फोकस करंट की सिचुएशन में जो मिला है उसमें पूरी जान लगा के करने में फोकस होना चाहिए, आगे का चीज़ मिलती चली जाती है। तो सागर जी, आप काफ़ी कई बार मनी माइंडसेट पे भी बात करते हैं और मनी पे भी आप काफ़ी बात करते हैं, तो मैं खुद एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हमने कई बार देखा है कि मनी को लेके बहुत सारे ब्लॉकेजेस दिमाग में लोगों के रहते हैं, स्पेशली जो कई लोग शुरू कर रहे हो, पर कई बार इसकी वजह से टैलेंटेड होने के बावजूद भी लोग शायद जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं कमा पाते। सो आपने इस जर्नी में अपने स्टूडेंट्स के साथ में क्या ब्लॉकेजेस देखे हैं और कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है? मनी के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है सर। नॉलेज कहने का मतलब एक ये तो है ही कि पैसा कैसे कमाना, उसमें चैलेंज तो है ही, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी ना उसको मैनेज करने का चैलेंज है, नहीं आता लोगों को। जैसे मैं खुद भी नहीं था 2015 तक, मैंने 2009 में जॉब शुरू करी और 2015 कितने साल, 6 साल हो गए, 6 साल में मेरा बैंक बैलेंस 0 था, उल्टा मैं क्रेडिट कार्ड के कर्जे में था, मेरा पर्सनल लोन, होम लोन सब था, मतलब नेगेटिव में था मैं। तो उस वक्त तक मेरे को भी नहीं पता था कि अरे सैलरी तो ठीक ठाक आ रही है, लेकिन सैलरी को मैनेज कैसे करें नहीं पता था, तो कैश फ्लो नेगेटिव। फिर धीरे धीरे समझना, सीखना शुरू किया, समझ में आया बाप रे बाप कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। तो आज के समय में आप देख लो, कॉरपोरेट में 1,00,000-2,00,000 रुपये महीना कमाने वाले एक आदमी, अब बैंक बैलेंस 0 है, सिर्फ 0 नहीं है, वो नेगेटिव में है, लोन में दबा हुआ है, वो क्रेडिट कार्ड के बिल में दबा हुआ है। हमारे मेरे पापा की सैलरी, वो बताते हैं कि जब वो रिटायर होने वाले थे लास्ट स्टेज पर, तो उनकी सैलरी 30,000 रुपये हुई थी रिटायर होने के टाइम पे। अच्छा, शुरुआत में जब उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया तो उनकी सैलरी वही 5,000, 4,000, 3,000, 1,500, 800, 200 रुपये की सैलरी वो सब हुआ करता था। अब इसमें उन्होंने कितनी सारी चीज़ें कर दी, अपने को पढ़ा भी दिया, मेरी बड़ी बहन की शादी भी हो गई, घर भी बना, दो दो घर भी बना दिए, कितना कुछ कर दिया इतनी छोटी सैलरी में। आज लोग बड़ी सैलरी, बड़ी कमाई लेके भी कुछ नहीं कर पा रहे, मनी मैनेजमेंट नहीं आता सर लोगों को, और चैलेंज ये कहीं सिखाया भी नहीं जाता। तो पैसा कमा भी लेते हैं लोग, लेकिन उस पैसे को यूज़ ही नहीं कर पाते, अय्याशी उड़ा देते हैं। आज देखो सोशल इन्फ्लुएंस बहुत है ना, आपके हाथ में अगर आईफोन है तो धारणा ये है कि 4 लोग आपकी इज्जत करेंगे, हाँ पैसे वाला आदमी है, नहीं, 3 कैमरे पीछे दिखने चाहिए, आपने एडिडास, पूमा और ये सब जूते वूते पहन रखे हैं, मतलब आदमी अमीर है तो इज्जत करेगा। तो इज्जत की का ये पैरामीटर बन गया है, बजाय वो ये भूल गया कि भैया ये नकली इज्जत है। जिस दिन तुम्हारे पास एडिडास और पूमा के जूते नहीं रहे, तो हाथ में आईफोन नहीं रहे, तो ऐसी इज्जत लेके करना भी क्या, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन, उससे अच्छा ऐसी वाली इज्जत क्यों ना कमाई जाए कि सामने वाले को जब पता चले कि मेरे बैंक में 1,000 करोड़ पड़ा है तो उसके होश उड़ जाए वो 7 जन्मों तक मुझे नहीं भूल पाएगा, ये वाली इज्जत कमाए ना।